वो बहुत खतरनाक और पावरफुल होती है दोस्तों। और जिस व्यक्ति ने इस माया को जीत लिया, जो हस्तक्रिया वाली माया है, वासना की माया है दोस्तों, हरे कृष्णा। ब्रह्मचर्य के 100 फायदों की सीरीज चल रही है दोस्तों, जिसमें से हमने 65 फायदे ऑलरेडी बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं देन आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें दोस्तों, आपको मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा पावरफुल तरीके से ब्रह्मचर्य करने का। और ये फायदे ये भी बताते हैं कि आपको ब्रह्मचर्य कैसे करना चाहिए दोस्तों। अगर आप भी 60 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज करना चाहते हैं देन कमेंट में अपनी एज और आप कहाँ से ये वीडियोज़ देख रहे हैं दोस्तों लिख सकते हैं दोस्तों। तो आज का 66वां फायदा कहता है दोस्तों, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ये ब्रह्मचर्य के फायदे होते हैं वो केवल बॉयज़ के लिए होते हैं, लड़कों के लिए होते हैं, लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे फायदे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए होते हैं दोस्तों। क्योंकि जो भी हस्तक्रिया, किसी भी तरह से हस्तक्रिया, चाहे लड़का करे चाहे लड़कियाँ करे दोस्तों, उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका दोस्तों, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों पर फर्क पड़ता है उनकी लाइफ में। तो दोस्तों ये सारे फायदे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को सुनने चाहिए। तो 66वां फायदा कहता है दोस्तों, इंक्रीज्ड मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी, जो कि एक हस्तक्रिया करने वाले में नहीं होगी। वो लोग हस्तक्रिया करके वीर का नाश करते हैं दोस्तों, अपने पावरफुल वीर का, जो कि उनके शरीर को अंदर से चमकाता है, स्ट्रांग बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। और मेंटली भी दोस्तों एक ब्रह्मचारी बहुत ज़्यादा फिट रहता है, और जिसकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी दोस्तों अच्छी होगी वो व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, हर फील्ड में अच्छा कर पाते हैं दोस्तों, चाहे बॉय है चाहे गर्ल्स है दोस्तों। तो ये चैलेंज सबको लेना चाहिए दोस्तों। तो अगर आपको भी चाहिए कि आपका मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी बने रहे, अच्छी बने रहे, आप अपनी लाइफ में अच्छे से काम कर पाओ बिना किसी आलस्य के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, देन दोस्तों दिल से ब्रह्मचर्य करना सीखो। लाइफ पूरी की पूरी बदलने वाली है आपकी सच में, और आपको केवल 60 दिन नहीं बल्कि बहुत आगे तक करना है मेरे भाइयों। 60 दिन बस आपको मोटिवेट करने के लिए है कि अगर आपने 60 दिन कर दिया दोस्तों देन आप सच में बहुत आगे तक करने वाले हो मेरे भाई। क्योंकि अगर आप अपने आप को 60 दिन तक कंट्रोल कर लोगे देन आप में ये शक्ति आ जाएगी कि आसानी से आप अपने आप को सालों तक कंट्रोल कर सकते हो मेरे भाई। क्योंकि अगर आप अपने आप को एक दिन भी कंट्रोल कर सकते हो मेरे भाई, तो समझो आपके लिए 60 दिन भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ना कि एक साल भी बड़ी बात नहीं मेरे भाई, ये समझो। नंबर 67 पॉइंट कहता है, इम्प्रूव्ड फोकस एंड कंसंट्रेशन। दोस्तों जो हस्तक्रिया करेंगे उनका फोकस और कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है, वो अपना फोकस गलत जगह लगाते हैं, गलत वीडियोज़ देखने में लगाते हैं, गलत क्रियाएं करने में लगाते हैं दोस्तों, तो उनके वीर की शक्ति ख़त्म हो जाती है दोस्तों अंदर से। वो अंदर से बहुत ज़्यादा चंचल बन जाते हैं, वो एक जगह फोकस करना चाहेंगे लेकिन उनका दिमाग हमेशा गलत ओर चल जाएगा दोस्तों। लेकिन ब्रह्मचारी, अगर उसने अच्छे से ब्रह्मचर्य किया है, दिल से ब्रह्मचर्य किया है, अच्छे विचार रखते हुए तब ब्रह्मचर्य किया है, तो वो जहाँ पर फोकस करना चाहेगा दोस्तों बड़े आसान से फोकस कर पाते हैं कंसंट्रेशन के साथ। और इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को बहुत पावरफुल तरीके से मिलता है मेरे भाइयों। बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं पढ़ाई में दोस्तों, लेकिन हस्तक्रिया करके वो अपने दिमाग को ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। बहुत बार सुनने को मिला है दोस्तों कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था पहले, लेकिन हस्तक्रिया करके वीरनाश मैंने बहुत मात्रा में कर दिया, और उससे मेरा फोकस, कंसंट्रेशन और याददाश्त सब के सब कमज़ोर होने लग गए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है दोस्तों स्टूडेंट के लिए, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है दोस्तों। तो दोस्तों गलत और ध्यान ना देने वाला व्यक्ति और दिल से ब्रह्मचर्य करने वाला व्यक्ति आसानी से दोस्तों फोकस कर पाते हैं दोस्तों जहाँ पर वो चाहें। अब वो चाहे जॉब है, चाहे स्कूल में है, चाहे कॉलेज में है, चाहे कहीं पर भी दोस्तों, जहाँ पर आप फोकस करना चाहोगे आसानी से कर पाओगे दोस्तों। लेकिन अपने फोकस को अच्छा रखो, फोकस आपको गलत जगह नहीं करना है दोस्तों, अच्छी जगह फोकस करना है। नंबर 68 पॉइंट कहता है हमारा, इन्हांस्ड स्पिरिचुअल एंड इमोशनल वेलबींग। आध्यात्म की ओर बढ़ने लग जाता है जो व्यक्ति दिल से ब्रह्मचर्य करता है। आध्यात्म मतलब दिल से भगवान में मन लगा पाता है, और मेडिटेशन भी बहुत आसानी से कर पाता है मेरे भाइयों, उसका ध्यान भटकेगा नहीं, और उसमें सब्र बढ़ जाता है दोस्तों, सब्र के साथ वो आसानी से भगवान में मन लगा पाता है दोस्तों। लेकिन हस्तक्रिया करने वाले का मन केवल स्त्रियों में होता है या फिर गंदी वीडियोज में होता है दोस्तों, और वो लोग बहुत ज़्यादा इस दुनिया में फंसे रहते हैं, नकली की दुनिया में,
इस नकली की माया में फंस जाते हैं दोस्तों। जो ये माया है दोस्तों वो बहुत खतरनाक और पावरफुल होती है दोस्तों, और जिस व्यक्ति ने इस माया को जीत लिया, जो हस्तक्रिया वाली माया है, वासना की माया है दोस्तों, या इस सांसारिक माया दोस्तों, जिसने इस माया को पहचान लिया और इस पर कंट्रोल कर लिया मेरे भाइयों, वो व्यक्ति आसानी से आध्यात्म में आगे बढ़ पाता है दोस्तों। और जब आप आध्यात्म में बढ़ेंगे दोस्तों, आगे भगवान में मन लगाएंगे, भगवान का नाम लेंगे दोस्तों, देन एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आपको कि आपका जो ध्यान गलत हो जाता है उस पर आपका कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाइयों। ये बहुत बड़ा सच है। तो बढ़ना सीखो दोस्तों, आगे को बढ़ो दोस्तों, आध्यात्म की ओर बढ़ो। लाइफ में बहुत कर लिया फालतू के काम, बहुत कर लिया आपने टाइम वेस्ट, लेकिन अब आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा मेरे भाई। नंबर 69 कहता है हमारा, दूसरी स्किल्स जैसे फॉर एग्जांपल खाना बनाना, या फिर एक्सरसाइज करना, या फिर अच्छी किताबें पढ़ना, या फिर दोस्तों कुछ भी ड्राइंग करना, कोडिंग करना दोस्तों, ये नई नई आदतें दोस्तों, नए नए स्किल्स सीखने में, अच्छी आदतों को डेवलप करने में आसानी होगी दोस्तों आपको। हस्तक्रिया करने वाले व्यक्ति नई आदतें डेवलप नहीं कर पाते हैं मेरे भाई, वो लोग नकली की मोह माया में फंसे होते हैं, झूठी माया में फंसे होते हैं, गंदी वीडियोस को देखने में, गलत बातें करने में, उसी में मजे लेते हैं दोस्तों। उनको लगता है यही मजा है, मेरा टाइम कुछ नहीं है, क्या करना है, टाइम ही टाइम है बोलते हैं। भैया टाइम बहुत है आपके पास, ऐसा नहीं है, लेकिन इस टाइम को फालतू काम में वेस्ट करना नहीं है। जो आपको मज़ा लगेगा दोस्तों अभी, वो बाद में आपको दुख देगा। इसलिए अच्छी आदतें डेवलप अगर नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो ब्रह्मचर्य करो और अच्छी आदतें डेवलप इजीली कर पाओगे आप सच में। और दोस्तों लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, पावरफुल और ताकतवर बनना है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, देन दोस्तों नए नए स्किल्स पे काम करो अपनी लाइफ में, और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहो, चाहे किसी भी तरह की नॉलेज हो बढ़ाते रहो मेरे भाई, ताकि अगर कोई आपसे बहस करने भी आ जाए, या फिर कोई डिस्कशन चल रहा है दोस्तों, देन आप उस क्षेत्र में बहुत अच्छे से बोल पाए। और ये नॉलेज हमेशा काम आती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा काम आती है। आपने देखा होगा दोस्तों KBC में बहुत सारे लोग आते हैं जो कि बहुत गरीब गरीब होते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज बहुत पावरफुल होती है दोस्तों, और कितने लोग करोड़ों रुपए जीत जाते हैं दोस्तों। वो लोग कहते हैं असली धन जो है वो नॉलेज है, ना कि ये फालतू के काम दोस्तों। अगर आपके पास ऐसा कोई स्किल होगा जिसमें आप परफेक्ट हैं, सबसे टॉप लेवल पे हैं, देन आपको कोई पिछाड़ नहीं पाएगा मेरे भाइयों। आज का लास्ट पॉइंट कहता है नंबर 70, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं मेरे भाइयों, देन वीडियो को लाइक जरूर करें मेरे भाइयों। आप लाइक ही नहीं कर रहे हैं, अगर आप लाइक करेंगे दोस्तों, देन ये वीडियो और दोस्तों तक पहुंच पाएगी, तो लाइक जरूर करें दोस्तों। तो नंबर 70 बोलता है ग्रेटर सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर आप में आएगी दोस्तों। सेल्फ डिसिप्लिन जो व्यक्ति होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, आपको लगता होगा यार ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, दोस्तों वो सेल्फ डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। उसने बना के रखा है कि भैया हाँ यार इस टाइम पे मुझे काम करना है तो करना है, इस टाइम पे मुझे एक्सरसाइज करनी है तो करनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं माई लाइफ माई रूल्स, मैं जैसे चाहूँगा वैसे चलूँगा, मतलब कोई नियम ही नहीं है, बस टाइम वेस्ट करके फालतू की रील्स देखते हैं, फालतू की गंदी वीडियोज देखते हैं दोस्तों, और फालतू के एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं दोस्तों, और कहते हैं भैया माई लाइफ माई रूल्स। तो दोस्तों ऐसे लोग सच में दिल से ब्रह्मचर्य भी नहीं कर पाते हैं, वो लोग अपने वीर का नाश भी कर लेते हैं, क्योंकि उनका लाइफ उनके रूल्स है दोस्तों, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं दोस्तों आप में भी सेल्फ डिसिप्लिन आए और विल पावर आप में बहुत पावरफुल हो कि हाँ यार ये काम अगर आया है मेरे पास तो मैं इसको करके ही रहूँगा, मुझे करना है तो करना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता फिर ये परफेक्ट हो चाहे ना हो, जो हस्तक्रिया करते हैं दोस्तों उनकी विल पावर ख़त्म हो जाती है और सेल्फ डिसिप्लिन उनमें बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। लेकिन ब्रह्मचारी में ऐसा सेल्फ डिसिप्लिन होता है मेरे भाइयों की, उसने अगर सोचा है कि यार मुझे गलत वीडियोज़ नहीं देखनी है, मतलब नहीं देखनी है, मुझे इस समय एक्सरसाइज करनी है, मतलब करनी है, मुझे इस टाइम पे अच्छी किताब पढ़नी है, मतलब पढ़नी है। लेकिन हस्तक्रिया करने वाले केवल और केवल नकली के मजे करते हैं लाइफ में और रात में बस ऐसे ही सो जाते हैं दोस्तों। लेकिन सच में वो लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं दोस्तों, असल में अंदर से उनको सच में बहुत ज़्यादा अंदर से अपने आप को कमज़ोर कर रहे होते हैं दोस्तों। इसलिए वीर की रक्षा तो करनी ही करनी है मेरे भाइयों, और
सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ आपको काम भी करना है लाइफ में। तो समझोगे दोस्तों, जो ब्रह्मचर्य करेगा वो लाइफ में बहुत अच्छा करेगा, जो ब्रह्मचर्य नहीं करेगा गंदी वीडियोज देखेगा, गंदे विचार रखेगा मन में और हस्तक्रिय करके अपने वीर का नाश करेगा, वो क्या होगा, वो अपनी लाइफ में उसकी विल पावर ख़त्म हो जाएगी, सेल्फ डिसिप्लिन ख़त्म हो जाएगा उसका, हर एक चीज़ उसमें कम हो जाती है दोस्तों, उसका फेस ग्लो कम हो जाएगा, उसकी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, मेंटल हेल्थ ख़त्म। तो ये बहुत बड़े फ़ायदे मेरे भाइयों, आज की छोटी सी वीडियो अगर आपको 1% भी समझ में आती है मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे भाइयों। आज हमारे 70 फायदे पूरे हो गए हैं और अब केवल 30 फायदे बचे हैं मेरे भाइयों, तो इन फायदों को जरूर देखना मेरे भाइयों, वो फायदे बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं मेरे भाई। हरे कृष्ण।